नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव को लेकर बलिया पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, आमजन से संवाद कर कराया सुरक्षा का एहसास। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कभी भी हो सकती है, ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। लोकसभा चुनाव और आने वाले त्योहारों को पूरी तरह से सकुशल और शांति से संपन्न कराने के लिए जनपद के सभी थानों की पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और लोकसभा चुनाव तथा आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में मदद की अपील की गई है। इस दौरान पुलिस के जवानों ने मैदंगा उपकरणों के साथ फ्लैग मार्च किया है। साथ ही संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु एवं वाहनों की सघन चेकिंग की गई है। पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों के साथ पुलिस के अधिकारियों ने संवाद कर उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया है। पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा के निर्देशन में बुधवार को जनपद में आगामी लोकसभा चुनावों एवं त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने एवं जनपद में चाक चौबंद सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका महिला सुरक्षा हेतु जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी द्वारा सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए भारी पुलिस बल के साथ मय दंगा उपकरणों सहित पैदल मार्च किया गया है। पैदल मार्च के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई है। पैदल गश्त के दौरान आमजन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद बलिया पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। बलिया से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।